विधायकदल की बैठक है। मंत्री और कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा के विशेष सत्र पर बन रही है रणनीति। एसटी एससी आरक्षण के अनुमोदन के लिए चल रहा है सत्र। कल सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है, सरकार पर वार कर सकता है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के वार पर पलटवार को लेकर रणनीति बना रही है। तो सीएम हाउस में विधायक दल की ये बैठक चल रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर इस विधायक दल की बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मंत्री और कांग्रेस के तमाम विधायक, आपको बता दें कि इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष के वार का पलटवार करेगा, इसको लेके स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तो श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में विधायक दल की यह बैठक चल रही है और हमारे साथ सहयोगी दुर्गेश गुप्ता इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। दुर्गेश, विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में चल रही है, जाहिर सी बात है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, उसी के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है, क्या ताजा अपडेट? रश्क, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नए साल में कमलनाथ के विधायकों की यह पहली बैठक है जहां पर कमलनाथ अपने विधायकों से वन टू वन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा एक साल होने जा रहा है, उसके बाद यह बैठक हुई है। तो एक साल में जो भी कार्य किए गए हैं उनकी विधानसभा में विधायकों की, उसके लिए भी चर्चा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कांग्रेस सरकार जो कुछ दूसरे दलों के सहयोग से भी कांग्रेस कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, तो साथ ही जो दूसरे दल हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी की रामाबाई हैं, इसी तरीके समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी। उनके क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की जनता को लेकर, क्षेत्र की जनता के रुझान को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा कमलनाथ कर सकते हैं। वहीं साथ ही अब एक साल इस जनवरी के बाद से जो प्रदेश में किस तरीके से विकास करना है, जनता को किस तरीके से जनता का रुझान लाना है, उसके लिए भी रणनीति बनाई जा सकती है। विकास कार्यों की रणनीति बनाई जा सकती है, योजनाओं से संबंधित चर्चाएं की जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव भी आगे सामने आने पर हैं, तो नगरीय निकाय चुनावों पर भी कमलनाथ चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दो दिन पहले ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ये चुनाव आयोग गया था, जहां पर यह मांग की थी कि यह नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम मशीन से ना कराकर वीवीपैट से करवाई जाए, जिसको लेकर भी यहां पर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बिल्कुल दुर्गेश, एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, एसटी एससी के आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर अनुसमर्थन किया जा रहा है, इसको लेकर तो सत्र जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि सत्र अब कल जब लगेगा तो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर वार करने की स्ट्रेटेजी उसने बना ली है, किस तरह से सत्ता पक्ष किस तरह से पलटवार करेगा, इसको लेके क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको रस्क बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज विधानसभा का विशेष सत्र था, उसके बाद यह सदन स्थगित कर दिया गया है, कल यह विधानसभा सत्र फिर से लागू किया जाएगा। उसके बाद जो आपने एसटीएससी आरक्षण की बात करी, तो एसटीएससी आरक्षण पर भी कमलनाथ इस विशेष सत्र पर चर्चा कर रहा था। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष अपने लगातार मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था। जिस तरीके से किसान ऋण माफी को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष सरकार पर सवाल उठाए थे, साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज इस अनौपचारिक चर्चा पर किसान की ऋण योजना माफी है, किसान उस पर भी यह चर्चा हो सकती है, क्योंकि यह द्वितीय चरण, अब किसान का ऋण माफी योजना का द्वितीय चरण लागू करने जा रही है सरकार, जिस पर 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का किसानों का कर्ज। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल श्यामला स्थित सीएम हाउस में विधायक और विधायक दल की यह बैठक चल रही है। तमाम कांग्रेस के और साथ ही जिन्होंने अपना समर्थन दिया है बसपा और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हैं। किस तरह से सदन में विपक्ष के तमाम आरोपों और प्रत्यारोप और वार का पलटवार करना, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच बड़ी